हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पंकज पंजवानी और सी प्रोग्रामिंग वीडियो लेक्चर सीरीज़ के एक और वीडियो लेक्चर में मैं आज आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको फॉर लूप सॉरी व्हाइल लूप का यूज़ करते हुए पहले 10 नेचुरल नंबर्स प्रिंट करना बताए थे। मैंने इसको रिवर्स ऑर्डर में भी प्रिंट करना सिखाया था और इसको मैंने सीक्वेंस में भी प्रिंट करवाया था और रिवर्स ऑर्डर में भी मैंने प्रिंट करवाया था। ठीक है, तो व्हाइल लूप का एक और क्वेश्चन आज हम कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट कर देता हूँ मैं यहाँ पे। इससे पहले वाले जो दो क्वेश्चन हमने किए थे उसमें हमने यूज़र से कोई वैल्यू इनपुट नहीं करवाई थी, केवल हमने यूज़र को आउटपुट दिखाया था। 1 से 10 हमने नेचुरल नंबर्स फॉरवर्ड ऑर्डर में और रिवर्स ऑर्डर में, दोनों ऑर्डर में करवाए प्रिंट करवाए थे। राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट, और आज हम यूज़र से इनपुट लेके काम करेंगे। राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट एन इंटीजर फ्रॉम यूज़र एंड प्रिंट ऑल नंबर्स, प्रिंट ऑल दी नंबर्स, प्रिंट ऑल दी नंबर्स फ्रॉम 1 to n, फ्रॉम 1 to n। अब ये n क्या है? n वो नंबर है जो हम यूज़र से इनपुट करवाएंगे। ठीक है, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट एन इंटीजर फ्रॉम यूज़र एंड प्रिंट ऑल दी नंबर्स फ्रॉम 1 to that नंबर आप बोल सकते हैं, या फिर 1 to n, है ना। ब्रैकेट में मैं दैट नंबर लिख देता हूँ, 1 to that नंबर। ठीक है, मतलब उस नंबर तक आपको प्रिंट करना है जो आप यूज़र से लोगे। ठीक है, शुरुआत आपको करनी है 1 से, और आपको 1 से लेके n तक प्रिंट करना है। एक्सेप्ट एन इंटीजर फ्रॉम यूज़र एंड प्रिंट ऑल दी नंबर्स फ्रॉम 1 to n, मतलब यूज़र जो भी नंबर डालेगा। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, इस ये पुराना कोड मैं हटा देता हूँ यहाँ। ठीक है, ये पिछले प्रोग्राम का लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसको हटा देता हूँ मैं। ठीक है, हम क्या चाहते हैं, जैसे यूज़र ने n के अंदर वैल्यू क्या डाल दी, 5 डाल दी, तो मुझे 1 से लेके 5 तक प्रिंट करना है। अगर यूज़र ने n के अंदर वैल्यू डाल दी 300, n इक्वल टू 300, कुछ भी यूज़र डेटा डाल सकता है, तो मुझे 1, 2, 3, 4 अप टू सोन कहाँ तक जाना है, 300 तक जाना है। ठीक है, तो n के अंदर यूज़र जो भी डालेगा, 3 डालेगा तो 1 से लेके 3 तक, 2 डालेगा तो 1 से 2 तक। ठीक है, तो n में जो वैल्यू होगी यूज़र अपन को वहाँ तक प्रिंट करना है। ठीक है, पहले अपन ने प्रिंट करवाया था 1 से 10 तक, वहाँ पे मुझे क्लियर था कि मुझे 1 से लेके स्टार्ट करना है और 10 पे बंद करना है। लेकिन यहाँ पे मुझे ये तो पता है कि 1 से स्टार्ट होगा। सबसे पहले मैंने हेडर फाइल्स डाली मेन फंक्शन के अंदर आके, इनिशलाइज मैंने 1 से कर दिया। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं हर बार स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 1 से हो रहा है। आपको जैसे जनरल अपन बात करें तो 1, 2, 3, 4 अप टू सोन कहाँ तक जाएगा, एन तक जाएगा। एन में जो वैल्यू रहेगी 1 से n तक प्रिंट करना है। स्टार्ट होगा 1 से। ठीक है, तो आई नाम का वेरिएबल या किसी भी नाम का जो वेरिएबल है उसमें हम शुरू में तो 1 डाल देते हैं, स्टार्ट 1 से होगा, और एक एक करके इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब आई इक्वल टू i+1। ठीक है, जो इसका ग्रो करने का जो सीक्वेंस है वो एक एक करके ग्रो कर रहा है, i=i+1। ठीक है, और कहाँ पे एंड होगा, एन पे एंड होगा, मतलब आई की वैल्यू जब तक स्मॉलर है या इक्वल है एन के। ठीक है, जैसे एन के जो ऊपर नंबर है वो कैसा होगा, n-1 होगा, और इसके ऊपर जो नंबर होगा वो n-2 होगा। ठीक है, तो एन के ऊपर जितने भी नंबर हैं वो एन से छोटे हैं। जैसे 300 के ऊपर क्या होगा, 299, फिर 299 300-2 किया तो 298 आ गया। ठीक है, अगर 5n है तो ऊपर क्या है, n-1, मतलब 5-1 4, 5-2 3। ठीक है,
तो एन के ऊपर जितने भी नंबर हैं वो एन से छोटे हैं, तो स्मॉलर देन एन हो या एन के बराबर हो तब तक हमें लूप को चलाना है। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ में आ गई होगी आपको। वन से स्टार्ट होगा और जाएगा कहाँ तक, स्मॉलर देन इक्वल टू एन तक, लेकिन एन नाम का तो हमने कोई वेरिएबल अभी बनाया ही नहीं है। ठीक है, और प्लस प्लस होगा, हर बार एक से इंक्रीमेंट हो रहा है, तो हम एक और वेरिएबल बना लेते हैं एन नाम का, और एन नाम के वेरिएबल के अंदर अपन को यूज़र से इनपुट लेना है। तो प्रिंट एफ के थ्रू मैंने मैसेज दे दिया, यूज़र एन के अंदर जो भी डालेगा हमें वन से लेके वहाँ तक जाना है। ठीक है, वहाँ तक प्रिंट करना है, एंटर एनी नंबर अप टू विच यू वांट टू प्रिंट। ठीक है, हमने एक मैसेज दिया, एंटर एनी नंबर अप टू विच यू वांट टू प्रिंट, ऐसा कोई भी नंबर डालो जहाँ तक आपको प्रिंट करवाना है, एंटर एनी नंबर अप टू विच यू वांट टू प्रिंट। ठीक है, और फिर स्कैन एफ के थ्रू हमने नंबर इनपुट करवा लिया। परसेंटेज डी कॉमा एड्रेस ऑफ एन, ठीक है, एन नाम के वेरिएबल में हमने इंटीजर टाइप का डेटा इनपुट करवा लिया, और उसके बाद हमने लूप के थ्रू कंडीशन लगा दी, आई की वैल्यू जब तक स्मॉलर है या इक्वल है एन के तब तक चलता रहेगा। ठीक है, इसको मैं आपको थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ, पेंट में मैं एक बार इसको दिखा देता हूँ। ठीक है, इस कोड को मैं यहाँ लिख देता हूँ और आपको एक बार दोबारा से यहाँ पे समझा देता हूँ मैं। ठीक है, तो ये हमारा कोड है, ठीक है, तो हमने दो वेरिएबल लिए हैं, एक आई है और एक एन है। आई के अंदर तो मैंने स्टार्टिंग में वन डाल दिया, इनिशियलाइज़ आई को मैंने वन से किया क्योंकि आई को मैं प्रिंट करवा रहा हूँ, और प्रिंट हमारा कहाँ से हो रहा है, वन से हो रहा है, तो इसीलिए स्टार्टिंग में मैंने वन रखा हुआ है। ठीक है, और हमने यूज़र से एन नाम के वेरिएबल में इनपुट लिया। अब एन नाम के वेरिएबल में कुछ भी यूज़र इनपुट कर सकता है, सपोज़ मैंने एन नाम के वेरिएबल में यूज़र से इनपुट ले लिया, 5 इनपुट करवा लिया, अभी मैं ज़्यादा बड़ी वैल्यू नहीं ले रहा, छोटी वैल्यू ले रहा हूँ 5, कुछ भी यूज़र डाल सकता है, प्रोसीजर हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, एन की वैल्यू मैंने 5 ले ली और कंडीशन दे दी वाइल आई स्मॉलर देन इक्वल टू एन, आई अगर छोटा है या बराबर है एन के, एन क्या है 5 और आई क्या है 1, 1 छोटा है 5 से, है ना, 1 5 5 से छोटा है, कंडीशन सही हो गई, तो अंदर आके मैंने आई को प्रिंट करवा दिया, आई को प्रिंट करवाया तो ये आपका 1 प्रिंट हो गया। 1 प्रिंट होने के बाद मैंने आई को 1 से बढ़ा दिया क्योंकि अब मुझे 1 के बाद 2 प्रिंट करना है, इसलिए मैंने आई को 1 से इंक्रीमेंट कर दिया, आई प्लस 1 किया, आई में 1 था, 1 प्लस 1 2 हुआ, और 2 होने के बाद आई में चले गया। फिर ये ब्रेकेट आया तो कंट्रोल ऊपर गया, और एन की वैल्यू तो 5 ही है, एन में तो मैंने कोई चेंज नहीं किया, तो मैंने देखा आई क्या छोटा है एन से, आई में आ चुका है 2, 2 छोटा है 5 से। ठीक है, कंडीशन सही हो गई, कंडीशन सही तो कंट्रोल अंदर आई की वैल्यू को दोबारा प्रिंट करवा दिया, तो ये 2 प्रिंट हो गया। 2 प्रिंट होने के बाद आई की वैल्यू को अपन ने फिर से 1 से बढ़ा दिया, आई में पहले 2 था, अब 2 प्लस 1 3 हो गया, 2 प्लस 1 3 हो गया, और उसको मैंने आई में असाइन कर दिया। ठीक है, और ये ब्रेकेट आया तो फिर कंट्रोल ऊपर गया, कंडीशन चेक की, अब आई में 3 आ चुका है, 3 भी छोटा है 5 से, 3 भी 5 से छोटा है, तो कंडीशन सही हो गई, कंट्रोल फिर अंदर आएगा और 3 प्रिंट हो जाएगा। 3 प्रिंट होने के बाद यहाँ पे 4 हुआ, ठीक है, क्योंकि आई इक्वल टू आई प्लस 1 है, 3 प्रिंट होने के बाद आई प्लस 1 किया तो 3 प्लस 1 4 हुआ और आई में चले गया। ब्रैकेट देखा, ऊपर गया कंट्रोल, ऊपर कंडीशन चेक की, 4 भी छोटा है
तो अंदर आके फोर प्रिंट करवा दिया। फोर प्रिंट करवाने के बाद ये फाइव होगा, आई प्लस वन से ब्रैकेट देखा ऊपर गया, फाइव छोटा तो नहीं है लेकिन बराबर है, कंडीशन सही है, अंदर आया फाइव भी प्रिंट कर दिया। फाइव प्रिंट होने के बाद फाइव प्लस वन सिक्स हुआ, सिक्स कर देता हूँ मैं इसको। सिक्स होने के बाद ब्रैकेट देख के ऊपर जाएगा, कंडीशन अभी भी अब ट्रू नहीं है, ठीक है। अब सिक्स है, सिक्स क्या छोटा है या बराबर है फाइव के? सिक्स ना ही छोटा है और ना ही बराबर है, दोनों कंडीशन गलत हो रही हैं, तो यहाँ पे मेरी कंडीशन हो जाएगी गलत। कंडीशन गलत तो कंट्रोल आया लूप के बाहर, कंट्रोल जैसे ही लूप के बाहर आया तो फिर लूप के बाहर हमने गेट सी एच लगाया हुआ है, एक कैरेक्टर यूज़र से लेगा और प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये हमारा आउटपुट आएगा जब यूज़र एन की वैल्यू फाइव डालेगा, और वो कैसे आएगा वो हमने यहाँ पे देखा, ठीक है। इसको मैं चला के दिखाता हूँ आपको, तो मैं प्रोग्राम को लोड कर लेता हूँ, ठीक है। रन पे जाके मैंने इसको रन किया, एंटर एनी नंबर अप टू विच यू वांट टू प्रिंट, मैसेज आ गया, हमने फाइव डाल दिया तो वन से लेके फाइव तक प्रिंट हो गया। तो यूज़र जो भी नंबर डालेगा, मैंने सेवन डाला तो वन से सेवन तक प्रिंट हो जाएगा, मैंने हंड्रेड डाला तो वन से हंड्रेड तक प्रिंट हो जाएगा। तो यूज़र जो भी वैल्यू डालेगा, मैंने थर्टीन डाल दिया तो वन से लेके थर्टीन तक प्रिंट हो गया, ठीक है। तो ये तरीका है, आप यूज़र से वैल्यू लेके वहाँ तक प्रिंट करवा सकते हैं वन से स्टार्ट करते हुए, ठीक है। तो ये वाइल लूप का एक और एग्ज़ाम्पल था। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको एक और नेक्स्ट प्रोग्राम बताऊंगा, उसको भी हम वाइल लूप से ही करेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी कोडिंग।